टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम जो है वो रेडिकेंट, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ मैं आपको कि जब भी आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिविन होता है, राइट, सपोज करें एक्स रेज टू द पावर 5, ओके, तो ये जिस पे एक्सपोनेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। दिस इज कॉल्ड बेस। और ये तो जैसे नाम से ही आपको पता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। पावर भी बोलते हैं इसे, ओके, ये बेस है और ये क्या है, पावर, ओके। इसी तरह एक चीज़ और सीखें, ये रूट है, राइट। अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी होल पावर जो है वो क्या है, हाफ है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर हाफ। अगर हम ये लिख लें 7 एंड वाई, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा वाई की होल पावर 1/7। मतलब यहाँ पे जो भी इंडेक्स गिविन है तो आप उसको 1/1 करके लिखेंगे, राइट, सही है। सेवन्थ रूट, इसे सेवन्थ रूट भी जो है वो हम पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकेंट एंड इंडेक्स। नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट राइट बेस एंड एक्सपोनेंट, इसको सॉल्व करें। अब देखें इसकी बेस क्या है, शाबाश बताइए। ये नंबर, दिस नंबर इज बेस। और एक्सपोनेंट या पावर क्या है, ये होल पावर 4। इसकी बेस कितनी है, हाफ। और एक्सपोनेंट कितनी है इसकी, 3। इसकी बेस -30, ओके। और पावर या एक्सपोनेंट कितनी है भाई, 20, ओके। अब नेक्स्ट ये बोल दीजिए, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स। देखें द टर्म विद इन द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। इसको रेडिकेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडिकल साइन के इनसाइड जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको रेडिकेंट कहते हैं। तो ये 5 जो है वो क्या है, रेडिकेंट, ओके, रेडिकेंट 5, ये रेडिकेंट है आपका। और ये आपको पता है, इसका भी मैंने समझाया था, इसकी इंडेक्स जो है वो कितनी है, 3, सही, इसको इंडेक्स बोलते हैं। इसी तरह इसको देखें आप, रेडिकेंट कितना है, x/y, और इसकी इंडेक्स 4 है, ओके। इधर देखें इसकी रेडिकेंट कितनी है, शाबाश, ये देखें रेडिकल साइन के अंदर है, दिस इज रेडिकेंट x²yz, और इसकी इंडेक्स 5। अब ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने अभी आपको समझाया था कि रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होता है तो उसकी एक्सपोनेंट कितनी होती है, हाफ। अगर कुछ कोई नंबर नहीं है तो हाफ। 7 लिखा है, 7th रूट, तो इसका मतलब है 1/7, बेसिक्स, सही है। इसी तरह देखें आप इसको, 3/4 है, तो इसको कैसे राइट करोगे आप, 3/4 होल पावर, एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे आप इसकी, जी कुछ नहीं है तो 1/2, इसका x/y 5, ये पूरे रेडिकल साइन के अंदर है, और इसकी होल एक्सपोनेंट जो है वो कितनी है, हाफ। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने जाएं तो 5 अपर नंबर, ये न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो x/y = 5/2 यूँ भी लिख सकते हैं। ये अभी यहाँ पे तो सिर्फ ये बोला है कि ट्रांसफॉर्म द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमने कर दिया। इसको देखें, y/x, ये रेडिकेंट है, -5 एज इट इज, और इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी होल पावर कितनी होती, 1/3। अब आप इसको और इस नंबर को क्या, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। आगे सीखेंगे आप अच्छी तरीके से, y/x -5 × 1 इज -5 = 3, सही है।
तो ये फॉर्म हो गई। ओके नेक्स्ट इसको करें, देखें 22 z^7 1/3। अब आप ये पावर और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई 7/3, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसको देखें 27 राइट, इसकी होल पावर कितनी हो गई बेटा 1/9। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 27 यू ही लिखने आप 1/9। इसके फर्दर फैक्टर्स भी बन सकते थे, वो अभी हम नहीं सब सिखा रहे आपको, अभी सिर्फ आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको देखिए आप, देखें ये रेडिकल साइन के अंदर इसको एज इट इज लिख दिया आपने, 2 के अंडर स्टूडे 1 है और ये एक्सपोनेंट है 3, तो ये क्या हो गया 1/3। अब देखें न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से -64 2/3, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया आपका। ओके नेक्स्ट अब देखें आप इसे, इसको करना है आप खुद करें, शाबाश, ये एज इट इज़ 1/2 m कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दिया करें ताकि आप अच्छी तरह समझ लें, और ये रे 3 है इंडेक्स इसकी तो 1/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा m/3। इसका बताइए जल्दी से, शाबाश, xy 3 की इंडेक्स 1/5 xy 3/5। ओके इसका बताएं, अब देखें इसमें रेडिकल पहले इसको इश्यू को सॉल्व करें, 4/3 इसकी होल पावर कितनी है बेटा 1/2। आपको बताया रेडिकल साइन के अंदर सिर्फ ये वाला रीजन देखिएगा, अब ये सेकंड रूट है इसको 4/3 ½ 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें, मैंने अभी सिखाया था न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 4/3 1/6। ओके नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म में करना है। देखिए 1/1 में कोई भी नंबर होता है 1/1 में वो रेडिकेंट बन जाता है, रेडिकेंट के स्क्वेयर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, सही है, ये 7th रूट है, इसको क्या पढ़ेंगे 1/7 रूट, तो 5 to the power 3 एज इट इज 7th रूट। इसको देखिए आप, ए बी की पावर -2 क्यू, इसको देखिए 5/7। ओके सिर्फ आप डिनोमिनेटर को देखेंगे खाली 3, इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 × 5 = 15/7, ये समझ में आया, पहले पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, सही है। अभी जो डिनोमिनेटर है ये रेडिकेंट की रूट होता है, रेडिकेंट का रूट, ये 7 यहाँ पे लिखा आपने 5/7 ⁻⁵। हेड इट, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अभी वो देखें फर्दर एग्जांपल, बी ओवर है, अब सिर्फ डिनोमिनेटर को देखें, ये क्या 1/2, इसको नहीं देखें न्यूमिरेटर को, तो उसको पहले लिख दिया b/a⁻⁻ⁿ, सही है। अब ये है 1/2, तो 1/2 के लिए सिर्फ रेडिकल साइन। ओके इधर देखिए आप 11, 12, 13, 13, पहले इसको लिख सकते हैं 11 × 12, 13 × 13 इज 13 स्क्वायर, अगर आप लिखना चाहें तो उसकी होल पावर जो है 1/5। अब आप इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने जाएंगे, देखिए 1/5 है ना, अब 1/5 का मतलब 5, ये लिखा आपने, बाकी नंबर ए डिटेल लिखने, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, 11 × 12 = 132 √13 ⁻², और इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 132 √13 का स्क्वायर होता है 169, सही। इस तरह ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ये बेसिक से इसको एक दो दफ़ा और देखिएगा तो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे, इस तरह आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मैं हर एक दिन के बाद 2 दिन के बाद जो है ना एक्सरसाइज करूँगा ताकि आपका फर्स्ट टर्म कवर हो जाए।
थैंक यू।